नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे श्री राम जी की जन्मभूमि और राजनीतिक सफरों की बादशाहत रखने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश अपने प्राचीन इतिहास के साथ साथ अपने राजनीति के लिए भी जाना जाता है। इस स्टेट ने एक से एक ऐसे नेता दिए हैं जो भारत की राजनीति को ऊंचे शिखर पर ले गए हैं। उत्तर प्रदेश अपने शानो शौकत तथा मेहमानबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। आज हम उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की इकोनॉमी को भी बदल कर रख देंगे, तो आज हम इन्हीं प्रोजेक्टों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रोजेक्ट है दिल्ली कोलकाता बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के कुल लेंथ 1500 किलोमीटर है तथा इसमें लगने वाला कॉस्ट 1.21 लाख करोड़ रुपए है। यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड गेज पर चलेगा। इसमें मुख्यतः ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, बक्सर, पटना, धनबाद, आसनसोल और बर्धमान स्टेशन होंगे। इस बुलेट ट्रेन में पहला फेज जो दिल्ली से बनारस के बीच है, इसमें कार्य की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत पहले फेज में दिल्ली वाराणसी के लिए दिल्ली और वाराणसी के रूट का DPR तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें पुलों का निर्माण, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की शिफ्टिंग, अंडरग्राउंड टनल आदि का रूपरेखा तैयार करना है। इसका कार्य दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए बिडिंग की शुरुआत होगी। इसमें हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है फिल्म सिटी प्रोजेक्ट। यह UP का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा। यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में मुंबई को फिल्म इंडस्ट्री से रिप्लेस करके UP कर सकता है। यह इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 करोड़ से अधिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार प्राप्त होंगे। यह प्रोजेक्ट गौतम बुद्ध नगर जो यमुना एक्सप्रेसवे के पास है, वहां पर 1000 एकड़ के जमीन पर बनाया जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के साथ मीटिंग की और इसकी योजना तैयार की। अभी UP सरकार फिल्मों पर 2 करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन UP में फिल्म सिटी बनने के बाद सब्सिडी को भी बढ़ा देगी। इसका भी कार्य कंस्ट्रक्शन फेज में प्राइमरी लेवल पर शुरुआत हो चुका है। हमारा अगला प्रोजेक्ट है राम मंदिर प्रोजेक्ट। राम मंदिर आज के समय UP का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। राम मंदिर के भूतल में सिंह द्वार, गर्भगृह, नृत्य द्वार, रंग मंडप बनेगा। वहीं प्रथम तल पर मंदिर दरबार की मूर्तियों का स्थान दिया जाएगा। राम मंदिर की कुल लंबाई 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 128 फीट होगा। इसके अलावा 212 खंभे होंगे, जिसमें पहले मंजिल में 106 खंभे और दूसरे मंजिल में 106 खंभे होंगे। प्रत्येक खंभों में 16 मूर्तियां होगी। मंदिर में 2 चबूतरे होंगे। राम मंदिर के प्रांगण में राम कथा कुंज 45 एकड़ में बनेगा। यहाँ 125 मूर्तियां भगवान राम के जीवन काल की बनाई जाएगी, जो जन्म काल से लेकर लंका विजय के साथ राजगद्दी तक की होगी। इसके अलावा राम मंदिर में धर्मशाला, गौशाला भी होगा। राम मंदिर को बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी लॉरेंस एंटरप्रो है। इसका कार्य 2023 तक समाप्त हो जाएगा। मंदिर बनने के बाद अयोध्या भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बन सकता है। हमारा अगला प्रोजेक्ट है डिफेंस कॉरिडोर। आज हमारे देश में कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जिसमें कई कंस्ट्रक्शन फेज में है। इसी में एक डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत हुई है, जिसमें हमारे हथियार और रक्षा उपकरणों के लिए कारखाने स्थापित किए जाएंगे। यह कॉरिडोर अलीगढ़ से शुरू होकर आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर होते हुए लखनऊ तक होगी। इस कॉरिडोर से डायरेक्ट 2.5 लाख जॉब मिलेंगे तथा इसमें 20,000 करोड़ रुपए की निवेश आने की संभावना है। हाल ही में हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 101 डिफेंस उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा ये उपकरण, जिसमें मुख्यतः ड्रोन, वायुमान, हेलीकॉप्टर असेंबलिंग सेंटर, डिफेंस पार्क, बुलेट प्रूफ जैकेट और रक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि को मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत अपने ही देश में निर्माण करने के लिए कारखानों की शुरुआत होगी। इसका भी कार्य कंस्ट्रक्शन फेज में स्टार्ट हो चुका है। हमारा अगला प्रोजेक्ट है एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश। किसी महान आदमी ने कहा था कि किसी भी देश की सड़क
उस देश की इकोनॉमी की फ्यूचर तय करती है। अब उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछना शुरू हो चुका है, जिसमें अनेक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इसमें पहला एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जलौन, अरैया, इटावा आदि जिलों को आपस में जोड़ेगी। इसकी कुल लागत 14,849 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट में 95% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है तथा इसका कंस्ट्रक्शन वर्क 4 फेजों में विभाजित कर प्राइमरी लेवल पर स्टार्ट हो चुका है। इसमें दूसरा प्रोजेक्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 354 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के 9 जिलों जिसमें लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ आदि जिलों को आपस में जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 22,500 करोड़ रुपए है तथा इसकी कंस्ट्रक्शन 50% से ऊपर हो चुका है तथा आने वाले समय में ही जल्द यह पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे हैं। हमारा अगला प्रोजेक्ट है मेट्रो इन उत्तर प्रदेश, जिसमें मुख्यतः कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, बनारसी मेट्रो, लखनऊ मेट्रो आदि हैं। इन सब मेट्रो के बारे में जल्द ही हम फुल डिटेल्स वीडियो लाऊंगा। इसके साथ हमारा अंतिम प्रोजेक्ट है जेवर एयरपोर्ट, तो इसका भी मैं जल्द ही फुल डिटेल वीडियो लाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में साथ कमेंट जरूर करें।